क्यों आप मार्केट में इस टाइम आई हुई? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, पांच बेटियां मेरी हैं, बेटा नहीं है, शोहर मेरे फोत हो गए, किराए का घर है, किराया बिल दे दिया, तो उसके बाद खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा, दिन में लोगों के घरों में काम करती हैं, उसके बाद रात को आके मार्केट में पेंसिलें सेल करती हैं। जी, वो भी फोत हो गए हैं, भाई भी फोत हो गए, एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का तो फोत हो गए हैं वो। छोटी सी जो बेटी है, इसके दिल के अंदर भी हसरते तो होंगी कि काश मेरे बाबा होते, काश मेरे भाई होते, मेरा भी कोई खिलाने वाला मुझे होता, मुझे भी कोई शॉपिंग करवाता, मैं भी इस टाइम आउटिंग पे जाती, दिल में ख्याल तो हजार आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हमजा सलीम चौधरी। नाज़रीन, आज हम करीम ब्लॉक मार्केट में मौजूद है। यहाँ पर एक खवातीन जो आधी रात को जो घर में बैठने का टाइम है खवातीन का, वो मार्केट के अंदर पेंसिलें सेल कर रही है और उनकी छोटी सी बेटी उनके साथ है। हम उनसे पूछते हैं कि वो किस वजह से इस टाइम मार्केट के अंदर पेंसिलें सेल कर रही है और अपनी बेटी को भी साथ लिए फिरती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका नाम क्या है? ज़ैनब। जैसे कि अभी बोला है कि इस टाइम आपके घर बैठने का टाइम है, इतनी बार सर्दी है, छोटी सी बच्ची आपने साथ ली हुई है, क्यों आप मार्केट में इस टाइम आई हुई? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, पांच बेटियां मेरी हैं, बेटा नहीं है, शोहर मेरे फोत हो गए, किराए का घर है, किराया बिल दे दिया, तो उसके बाद खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। पेंसिलों के साथ आपका घर का प्रोसीजर चल जाता? नहीं, मुश्किल ही है। कैसे आपने हालात चलाते? पांच बेटियां हैं, बाद फिर लोगों के घरों में काम करती हूँ। दिन में लोगों के घरों में काम करती है, उसके बाद रात को आके मार्केट में पेंसिलें सेल करती है। ये स्कूल पढ़ती है तो स्कूल से आती है तो फिर मैं काम करती हूँ। फिर अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है? आमना। कौन सी क्लास में हो? फोर। आपका दिल नहीं करता कि आप इस टाइम पे घर पे बैठा करो? घर में कोई होता ही नहीं, फिर कैसे बैठूं? ब्याही गई है ना। अच्छा, आपकी सब बेटियां ब्याही गई? ब्याही गई हैं। फिर इसको मैं पास रखती हूँ, फिर क्या करूं? फिर ये बाहर मार्केट में लेके आती है, बाहर सोबत का असर तो पड़ता है? नहीं, कोई नहीं पड़ता, हमारे पे नहीं, अल्लाह की नजर से। बच्चे में असासे कमतरी तो होती है कि मेरे जो क्लास फेलोज है वो इस टाइम घर में बैठे होंगे, स्कूल में बिस्तरों में बैठे हुए, मैं मार्केट में इस टाइम, तो क्या करें फिर बेटा? आपके रिश्तेदार वगैरह आपको कोई सपोर्ट नहीं? नहीं है, वो भी बहुत हो गए हैं, भाई भी बहुत हो गए, एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का तो फोत हो गया वो, अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं है हमारा। जो आपकी बेटियां, जो आपकी ज्वाइन है, वो अभी आपको सपोर्ट? अपनी मेहनत करती हूँ बस, अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं है हमारा। इस बेटी का मुस्तकबिल क्या है? पढ़ा रही हूँ मैं। आपको बहुत लंबी जिंदगी दे, अल्लाह ताला इसको भी सलामत रखे। आप ऑडियंस से कोई मैसेज देना चाहें? मेरा यही मैसेज है कि मैं गरीब हूँ तो अल्लाह के नाम पे मेरी को मदद करे, ये मैसेज है मेरा कि अल्लाह के नाम पे मेरी को मदद करे, मैं गरीब हूँ। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने माँ जी की बात सुनी, छोटी सी बेटी उनके साथ है, दिसंबर का महीना है, इतनी सख्त शिद्दत की सर्दी है, धुंध पड़ रही है, तो ये इस टाइम अपनी बेटी को लेके मेहनत कर रहे हैं मार्केट के अंदर। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी इनके साथ इमदाद करना चाहे, स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर नजर आ रहा होगा, आप इनके साथ मदद कर सकते हैं। कोई इनको अगर कुछ छत देना चाहे, इनको कोई इनको राशन की सूरत में कोई देना चाहे, कोई पैसों की सूरत में देना चाहे, किसी भी सूरत में देना चाहे, कोई मदद कर दे तो इनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। छोटी सी जो बेटी है, इसके दिल के अंदर भी हसरते तो होंगी कि काश मेरे बाबा होते, काश मेरे भाई होते, मेरा भी कोई खिलाने वाला मुझे होता, मुझे भी कोई शॉपिंग करवाता, मैं भी इस टाइम आउटिंग पे जाती, दिल में ख्याल तो हजार आते हैं, लेकिन कोई भी इसके सर के ऊपर हाथ रखे तो मेरी आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है, खासतौर पे मुखय्यर हजरात से, इनके साथ ज्यादा से ज्यादा इमदाद की जाए। तो इसके साथ अपने मेजबान को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।